बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये समर 2014 का पेपर 13 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहे द फर्स्ट टर्म इन अ प्रोग्रेशन इज 36। फर्स्ट टर्म प्रोग्रेशन में 36 है एंड द सेकंड टर्म इज 32 और सेकंड टर्म 32 है। अब प्रोग्रेशन का नाम इसने नहीं बताया। अब ये फर्स्ट में कह रहा है गिवन दैट द प्रोग्रेशन इज ज्योमेट्रिक, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो फाइंड द सम टू इन्फिनिटी। सम टू इन्फिनिटी वैल्यू करें तो ये ज्योमेट्रिक पहले जीपी के लिए कर रहे हैं। जीपी के लिए ये कह द फर्स्ट टर्म इज 36 यानी ए 36 है एंड द सेकंड टर्म इज 32 यानी सेकंड टर्म ए 2 जो है वो 32 है। कहता है गिवन दैट फाइंड द सम टू इन्फिनिटी, तो पहले तो आर मैल्यूम करें। आर हमेशा क्या होता है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे 32 अपॉन 36, 4 का इसके ऊपर 8 दफ़ा, इसके ऊपर 9 दफ़ा, तो 8 अपॉन 9। तो सम टू इन्फिनिटी होता है एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, तो एस ए है 36 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8 अपॉन 9, तो एस आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय ये 9 एलसीएम, 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 1 होता है, तो 36 इंटू ये डिवाइड बाय 1 अपॉन 9 है तो 9 अपॉन 1 हो जाएगा। तो 36 इंटू 9 करेंगे मल्टीप्लाई, तो 36 इंटू 9 अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 324 आंसर। अच्छा उसके बाद आप देखिए सेकंड पार्ट इसका, ये कह रहा है गिवन इन स्टेट द प्रोग्रेशन अर्थमेटिक, इधर कर लगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये पार्ट में। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोग्रेशन इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज जीरो, सम ऑफ ऑल द टर्म्स जीरो है। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो 36 है और सेकंड टर्म इसने दिया है 32 है, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 32 माइनस 36 या रहेगा माइनस 4। अच्छा अब इसने सम ऑफ एन टर्म्स कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एस एन बराबर जो होता है सम टू एन टर्म्स, ये फर्स्ट एन टर्म्स होता है एन अपॉन 2 होता है 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, तो एस एन कहता है जीरो है, सम ऑफ जीरो है, एन अपॉन 2 एन हमें मालूम करना है, एन अपॉन 2 और 2 ए यानी 2 ए की वैल्यू 36 है प्लस एन हमें चाहिए और डी है माइनस 4। जारी बात है एन जीरो तो नहीं हो सकता, ये इधर आ जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा और ये एन अपॉन 2 ये जीरो इंटू 2 अपॉन एन कर दें, ऐसे ये आ जाएगा 72 और ये आ जाएगा माइनस 4 एन प्लस 4, ये तो जीरो आ गया, जीरो इज इक्वल टू 72 प्लस 4 ये आ जाएगा 76 माइनस 4 एन के, तो 4 एन इधर लेके जाएं, 4 एन आ जाएगा 76 के, तो एन आ जाएगा 19 के, यानी 19 टर्म्स हैं जिनका सम जो होगा वो जीरो होगा।